हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिर से एक सवाल लेके आप लोग के सामने जो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। आप लोग को समझने से पहले सबसे पहले सवाल को अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि कोई भी सवाल जो होता है उसी के अंदर जवाब छुपा रहता है। तो सवाल को पहले समझेंगे, फिर उसका ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल क्या है, सवाल सुनने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने कॉन्टेक्स्ट में और सब्सक्राइब दी माई चैनल। इसी तरीके से क्रिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उसको सॉल्व करना है आप लोग को, अपने माइंड का जो माइंड का कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग को लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल किस तरीके से, मान लो कि मेरे पास जैसे कि मान लो कि तीन मंदिर है या तीन दरगाह, ऐसा कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? तीन दरगाह मान सकते हैं या तीन मंदिर मान सकते हैं, ऐसा एक बनी हुई है, ठीक है। अभी आप लोग को और हर एक मंदिर या दरगाह के सामने एक कुआं है, ठीक है, ये कंडीशन है, समझ में आ रहा है? ये जो स्क्वायर टाइप में बनाया है आप लोग को कंसिडर ये करना है, इमेजिनेशन ये करना है, क्या मंदिर या दरगाह कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर कुआं है हर एक मंदिर और दरगाह के सामने, समझ में आ रहा है? अब आप लोग का सवाल कुछ इस तरीके से है कि आप लोग को एक फूल लेना है। क्या लेना है? फूल लेना है, कितना भी ले सकते हैं एज योर चॉइस, एक से लेके इनफाइनाइट तक एज योर चॉइस आप लोग को फूल लेना है, ठीक है। और वो फूल मंदिर पे चढ़ाना है, मंदिर पे चढ़ाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, चढ़ाने से पहले आप लोग को कुएं में वो फूल को डालना है। अब जैसे ही डालेंगे तो फूल क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसा मान के चलना है, कंडीशन है सवाल की। जैसे ये फूल इस कुएं में डालेंगे और फिर निकालेंगे तो फूल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो जब आप जितने भी फूल लेंगे, जैसे मान लो कि आप चार लिए, जैसे इसके अंदर डालेंगे तो आठ हो जाएंगे, दस लिए इसके अंदर डालेंगे तो बीस हो जाएंगे, यानी कि डबल हो गए। तो चढ़ाने से पहले कुएं में आप लोग को डालना है फूल। तो आप लोग को ये बताना है कि हर मंदिर या दरगाह के ऊपर चढ़ाने से पहले कुएं में फूल डालना है, यानी इसके ऊपर, इसके पास भी क्या है, सामने क्या है, कुआ है, इसके सामने भी कुआ है, इसके सामने भी कुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, हर एक दरगाह पे यानी हर एक मंदिर पे, कुछ भी मान सकते आप लोग, हर एक मंदिर पे सेम फूल चढ़ाना है। सेम समझ में आ रहा है, एक जैसा, मतलब अगर इधर पांच चढ़ाए, इधर भी पांच, ऐसा फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे डिसीजन लेना है कि यहाँ पर मैं कितना फूल लूँ मैं यहाँ पर, जो मैं यहाँ पे डालूंगा और इस पे दूँ, फिर इधर आके डुबाओ, जो बचेगा तो उसका डबल होना चाहिए, फिर इस पे चढ़ाना है, फिर जो बचेगा इस पे डुबोगे, इस पे चढ़ाना है, और लास्ट में जो आपके पास बचेगा वो जीरो फूल रहना चाहिए। मतलब हाथ में कुछ बचना नहीं चाहिए लास्ट में, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी ले लिए अपनी मर्जी से। मान लो कि आपने 10 लिए, 10 में से इधर चढ़ा दिए, इधर चढ़ाए तो 20 हो गए, 20 में से 15 चढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तीनों दरगाह, तीनों मंदिर पे क्या होना चाहिए, सेम फूल चढ़ना चाहिए और लास्ट में जीरो फूल बचना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो आप लोग का ये सवाल थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, सवाल तो मैं रिपीट कर चुका हूँ, अगर आप लोग को वापस सुना तो वीडियो को पॉज करके या पीछे सुन के अच्छे समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से सवाल, जो क्रिटिकल क्वेश्चन है पाने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।